भाई लोग पीछे आओ, भैया आप लोग समझ गए ओके थैंक यू चलो भैया। लास्ट टाइम कहा था कुछ 25 मिनट से पहले मैं लास्ट टाइम गई और मैंने वहाँ कैमरे के सामने सारे डॉक्यूमेंट दिखा दिए कोई भी फैसिलिटी नहीं है। और जो स्कूल अच्छे हैं सरकारी में तो कोई भी गरीब माँ बाप भी होंगे वो भी सरकारी में किसी ना किसी तरह भेज ही देंगे। जब उनका कहीं कुछ डिस्कर्स नहीं निकलेगा तो वहाँ तो भेज ही देंगे, बट वो भी चाहता है कि उसका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े। किस स्कूल में गई थी आप? अच्छे स्कूल में पढ़े पर किया। किस स्कूल में आपने अप्लाई किया था? मैंने सेंट जोसेफ में किया था। पहली लॉटरी में ही वो कह देते हैं कि 25% हमारी थी। चाहे छोटा स्कूल हो चाहे बड़ा, बस एडमिशन होना चाहिए। जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे उनको आगे बढ़ने के लिए उनको स्कूल मिलना चाहिए। इस बार इसमें रिजेक्ट किए गए हैं तो सारे भी नहीं हो। बात के लिए आज आपने ये कॉन्फ्रेंस आज ये कॉन्फ्रेंस यहाँ पर बुलाई गई है शिक्षा के अधिकार अधिनियम के 12-12 जिसके तहत प्राइवेट स्कूलों में भी कक्षा प्री नर्सरी प्री प्राइमरी और क्लास 1 में बच्चों का 25% कोटा है गरीब बच्चों का जिसमें आधा भी समूह आता है और पिछड़े वर्ग के लोग। और इसकी एक लॉटरी निकाली जाती है, लोग आवेदन करते हैं ऑनलाइन, उसके बाद लॉटरी निकाल करके उन बच्चों को अलग अलग उनके वार्डों में स्कूल आवंटित किया जाता है। तो ये कई सालों से देखा जा रहा है कि स्कूल आवंटित कर देने के बावजूद भी किराया स्कूल देने में काफ़ी मुश्किल पैदा करते हैं और एडमिशन के बाद भी अभिभावकों को तरह तरह की समस्याएं आती हैं। और इस बार पिछले साल तक ये 1 किलोमीटर की रेंज में था कि अभिभावक के घर के 1 किलोमीटर की रेंज में जो भी स्कूल आ रहा है उसमें अभिभावक पढ़ सकते हैं। इस बार इस नियम में थोड़ा चेंज किया गया और इसको वार्ड वाइज कर दिया गया कि अभिभावक जिस वार्ड में रहता है उसी में स्कूल को भर सकता है। तो अब चॉइस लिमिट हो गई और जब वो कंप्यूटर पे उस फॉर्म को भरते हैं तो उस वार्ड के ही स्कूल दिखाई देते हैं। अब ये मैपिंग की कोई प्रॉब्लम है कि जितने स्कूल किराया रहा करते थे उसमें 1/4 ही रह गए, जिसकी वजह से पहली लॉटरी के बाद ही स्कूल लगभग फुल हो गए और जब दूसरी लॉटरी निकली तो उसमें आधे से ज़्यादा बच्चे लगभग 6,000 बच्चे ऐसे थे जिनको कि लॉटरी जिनके लॉटरी में नाम नहीं था, मतलब लॉटरी में नाम था लेकिन स्कूल इसलिए नहीं मिला क्योंकि सीट फुल हो गई। तो ये संख्या बहुत बड़ी होती जा रही है धीमे धीमे। सर समस्या क्या आ रही है वो बता दें, किस तरह की समस्या? पहली समस्या यही है कि सीट ही नहीं है। तो अब वो गार्जियन ने तो बड़े उससे भरा फॉर्म कि मेरा कहीं ना कहीं बच्चे का एडमिशन हो जाएगा, शिक्षा का अधिकार से मिल जाएगा, लेकिन सीट ही नहीं है। और जहाँ पे सीट अवेलेबल है बच्चों को तो आप क्या कहते हैं किस तरह इसका समाधान हो सकता है? मेरा हम लोगों का मानना है क्योंकि बच्चों का तो एडमिशन कहीं ना कहीं मिलना ही चाहिए तो मैपिंग ठीक कर लें और जो स्कूल छूट गए हैं उनको शामिल करके पुनः एक लॉटरी निकाली जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्कूल मिल जाए, उनका एडमिशन हो जाए। और एडमिशन के वक्त जो स्कूल दिक्कत कर रहे हैं उनके साथ सरकार थोड़ा कड़ाई करे और एडमिशन सुनिश्चित करें, यही हम लोग चाहते हैं। यहाँ बहुत सारे अभिभावक आए हैं वो अपनी समस्याएं बता सकते हैं। चीकू प्रेस क्लब में प्रवीण जी ने प्रेस वार्ता करके बताया कि शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत 25% दाखिले लिए जाने हैं गरीब बच्चों के प्राइवेट स्कूल में, वो नहीं लिए जा रहे। तमाम अभिभावक यहाँ पर इस वक्त मौजूद थे, उन्होंने जो है तमाम समस्याओं का यहाँ पर जिक्र किया। कैमरामैन शाहिद रिजवी के साथ जाहिद अली की रिपोर्ट, प्रेसमैन न्यूज़, लखनऊ।